शूट्स नहीं का बात था पेन वेंट्री शूट्स नहीं का नहीं। और डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि आपने और अब बस सेजल जाने वाली है, हमें छोड़ के अभी नईम भाई से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो यार आज का जो दिन है ना वो काफ़ी मुश्किल होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं, एक छोटी सी सर्जरी है मेरी आंखों की वो करवा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो भाई को आंखों के ऐनक शेनक लगी हुई है, तो अब हम लोग जो लेज़र करवाने जा रहे हैं उससे ये होगा कि हमारी ऐनक हमेशा के लिए हट जाएगी। तो बस उसी के लिए जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले घर से निकले, ब्लॉग बनाने का आज बिल्कुल इरादा नहीं था मेरा, लेकिन फिर भी मैंने कहा यार बना लेते हैं, खैर है कोई नहीं। और मेरे साथ है नईम भाई। नईम भाई आज नईम भाई, मैंने कहा नईम भाई आज आप आ जाए ड्राइविंग सीट में, बहुत हो गई, बहुत आपने आराम कर लिया पैसेंजर सीट पे। तो आपसे भी उम्मीद है इंशाल्लाह आपके लिए हम सनग्लासेस लेके आएंगे, सनग्लासेस से जहाँ छूटेंगे सनग्लासेस लेके आएंगे। सही बात है, वापसी में इंशाल्लाह सनग्लासेस होंगे हमारे पास। तो बस यार थोड़ा सा तो वो हुआ हुआ, जाहिर है एक सर्जरी है, कोई मजाक तो नहीं है और आंखों का मामला है, तो थोड़ा सा मैं है, बाकी और कोई मसला नहीं है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया हुआ, और बेल आइकन को भी दबा दिया करो यार। तो यार हम लोग पहुंच गए हैं हॉस्पिटल और गर्मी बड़ी शदीद किस्म की है भाई, आप लोग देख सकते हो जा रहे हैं अंदर। तो वैसे किस नंबर पे आ जाती है लेजर के बाद? जीरो जीरो हो जाती है, लेजर का काम ही जीरो है। तो ये कब होगा फिर? अभी अभी होगा यही, बिल्कुल आपका हो गया? हुआ नहीं है, अभी होने लगा है, अभी मुझसे पहले कुछ लड़के हैं। अच्छा, a few moments later. How are you feeling? कैसा फील हो रहा है? सही है, कोई ऐसा वो नहीं फील हो रहा, बस हल्की सी दर्द है सर में, उसकी और आंखें पूरी नहीं खुल रही जिस तरह खुलनी चाहिए, उस तरह नहीं खुल रही हैं बाकी। और जो है पेनफुल बिल्कुल भी नहीं था, कोई दर्द कोई जलन कुछ भी नहीं हुआ नहीं भाई, सिर्फ एक वो उसको फोकस करना सर, लाइट को ना उसको फोकस करना था, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। कोई इचिंग वगैरह कुछ भी? फिलहाल तो कुछ नहीं होगा, आगे का पता नहीं। तो यार लेज़र वगैरह हो गया हमारा सही है, और अभी जो है निकल रहा हूँ यहाँ पर। सही था यार, जितना डर लग रहा था उतना था कुछ नहीं, पेनफुल बिल्कुल भी नहीं था। मुझसे पहले दो तीन लड़कियाँ थी, उनको देख देख के मुझे थोड़ा लग रहा था कि यार ये काम कोई ख़तरनाक ही पंगा ले लिया अब्दुल, लेकिन जब मेरी अपनी बारी आई तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक रेड लाइट को फोकस करना था और वही किया है, और बाकी ऐसा कोई मुश्किल वो नहीं था जितना दिल में था डर, क्योंकि मैं पहली दफ़ा इस तरह डॉक्टरों के हत्थे चढ़ा था इस वजह से। लेकिन खैर सब कुछ बहुत स्मूथली और अच्छा हो गया यार, अब निकलते हैं और चलते हैं घर, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है बाहर। तो चले नईम भाई, आज से गाड़ी चलाएंगे नईम भाई, हम तो अब जा रहे हैं भाई घर हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के लिए गायब होने। सही है, एक अभी जाके नींद की गोलियां खानी है मैंने, और फिर एक हफ्ते बाद उठना है मैंने। उन्होंने कहा है कि आपने सनलाइट और आग के आगे और हीट के आगे बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है, वैसे ही नहीं जाना विदाउट ग्लासेस तो बिल्कुल नहीं जाना, और मोबाइल कैमरा लैपटॉप कंप्यूटर
इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल दूर कर लें अपने आप को। मैंने कहा मैं हर चीज़ से अपने आप को दूर कर सकता हूँ, लेकिन मोबाइल से दूर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, शायद इस लेज़र से भी ज़्यादा। लेकिन चलो खैर देखते हैं यार अभी क्या किस तरह से होता है। फिलहाल तो निकलते हैं और चलते हैं घर। 3 days later। तो यार 3 दिन बाद आज निकला हूँ घर से, बाहर सही है नईम भाई के साथ। 3 दिन घर रह के मैं बता नहीं सकता आप लोगों को किस तरह से मेरे ऊपर जो है ना ये टाइम गुजरा है। तो जो पहला दिन था मेरा हॉस्पिटल से घर आने वाला, वो बहुत ही मुश्किल था यार। जब तक मेरी आंखें सुन थी तब तक तो मुझे कुछ पता नहीं चला, जैसे ही घर आए हैं उसके थोड़ी देर गुजरी है और जो मुझे फिर दर्द शुरू हुई है मेरे सर में और मेरी आंखों में, वो शायद मैं आप लोगों को बता नहीं सकता वीडियो में। खैर आज बहुत ज़्यादा तंग आने के बाद नईम भाई को लेके निकला हूँ ज़रा बाहर थोड़ा सा एक चक्कर वगैरह लगाने। नज़र मुझे अभी भी कुछ नहीं आ रहा, सब कुछ ब्लर है और ना ही मैं आंखों पे ज़्यादा जोर डालना चाह रहा हूँ। थोड़ा एक दो चीज़ें मैंने कहा यार ठंडी को भी पिला दें आज। इधर जा, नहीं नहीं इधर जी, इधर इधर इधर। ब्लॉगिंग के साथ साथ रास्ते भी तो बताने हैं ना भाई, सॉरी। तो आंखें बेहतर हैं यार मेरी, आप लोग देख सकते हो। अब मैं ग्लासेस रिमूव कर लेता हूँ, इतना मसला नहीं होता मुझे। लेंस हैं अभी आंखों में ड्राई हो जाती हैं। भाई तेज़ बारिश है यार, बहुत तेज़ बारिश है। इतनी शदीद गर्मी थी आज और अब आप रात के इस टाइम आप लोग देख सकते हो बारिश कैसी हो रही है। ये टाइम हो रहा है बारिश है, आपको दुबई में नहीं मिलनी। वापस जिस दिन नईम भाई आए थे पाकिस्तान उसके अगले दिन तेज बारिश हो गई थी, और आज जब सुबह सुबह नईम भाई जा रहे हैं तो आज रात को आप लोग देखो यार कैसी बारिश है, और हमारी आंखें वहीं की वहीं है यार। अब हमें गाड़ी से निकलकर घर तक जाना है और मुझे आंखें, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया कि भाई पानी में नहीं डालनी आंखें, और बाहर बहुत तेज़ बारिश है। तो इसलिए हम लोगों ने एक देसी जुगाड़ किया है, अम्ब्रेला ना होते हुए ये उतार ले आगे थे। हंसी भी नहीं आ रही मुझे, ये आर्टिफिशियल हंसी। डॉक्टर ने कहा यार पानी में सवाल ही पैदा नहीं करना आपने अपनी आंखों को डालने का, तो इसलिए अब जो है फिलहाल अम्ब्रेला नहीं है। तो ये आप लोग देख सकते हो देसी जुगाड़। The next day. तो यार एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं हम बड़ी भागम भाग में, ठीक है। नईम भाई और रेजल जा रहे हैं आज, सही है, उनको एयरपोर्ट छोड़ने आया हूँ। पहले वर्धा गई और अब आप लोग देख सकते हो रेजल भी जा रही है भाई को छोड़ के, अकेले होने वाले हैं हम फुल टाइम। आर यू गोइंग? देख सकते हो मौसम चेक करो, बड़ा जालिम किस्म का लेवल का मौसम है, रात से बारिश नहीं रुक रही। और हम लोग पहुँच गए भाई एयरपोर्ट, नईम भाई घूम रहे हैं, नईम भाई पता नहीं कहाँ है। हम लोग पहुँच गए बिल्कुल डिपार्चर के बाहर, आप लोग देख सकते हो। और अब बस हेजल जाने वाली है हमें छोड़ के, अभी नईम भाई से भी मिलते हैं। बाय 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 बाय। कहाँ गए नईम भाई? हाँ जी नईम भाई जा रहे हैं फिर, आप जा रहे हैं। बहुत अच्छा टाइम गुजरा नईम भाई आपके साथ, इंशाल्लाह मिलेंगे जिंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। वैसे आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी जा रहे हैं? जल्दी वैसे बहुत जल्दी जा रहे हैं, हाँ कर रहे जाने के लिए। चलें कोई नहीं इंशाल्लाह। नहीं ये बात नहीं बतानी ना अभी व्लॉग में। आखिरी बार ओके अल्लाह खैरियत से जाएं आप। जी जी बिल्कुल, हाँ सैटरडे को जाके इंशाल्लाह ले सीखवा। बाकी यार सीन चेक करो, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाहौर का मौसम जून के महीने में सही है, ये चेक करो, ये सीन्स चल रहे हैं जून के महीने में। तो यार चलते हैं घर, और अभी मैंने फिर नींद की गोली खा के सो जाना है। सैटरडे को मैंने जाना है अपना लेंस रिमूव कराने, तो फिर तभी जो है इंशाल्लाह इस ब्लॉग को हम एंड करेंगे।
3 days later. सर मैं पहुंच गया हूं दोबारा हॉस्पिटल और आज होंगे हमारे आंखों के लेंस रिमूव. सही है, ये आप लोग देख सकते हो. से बाय टू ग्लासेस और नीचे कितनी सारी ग्लासेस हैं. 1 week later. हे तो यार आंखें जो थी वो मेरी बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं अब तो, बल्कि बहुत ज़्यादा ठीक हो गई हैं. अब तो मुझे वो चीज़ें भी नज़र आ जाती हैं जो मुझे नहीं आनी चाहिए. तो और इसी के साथ साथ इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. इन्फॉर्मेशन के लिए व्लॉग था और अच्छा था यार. इसका जो सक्सेस रेट है वो 95% ठीक है, कामयाब हो जाता है ये सर्जरी लेज़र जो है आँखों का. और जिनका नहीं होता वो उनका पैदाइशी, अगर वो उनकी बाय बर्थ अगर आईसाइट वीक हो तो इस वजह से थोड़ा बहुत मसला हो जाता है. मुझे ये सब डॉक्टर ने बताया है, लेकिन मेरा तो बाय बर्थ नहीं था. मेरा तो अभी पीछे कुछ टाइम में वीक हुई थी तो इसलिए मेरी ठीक हो गई. और बाकी सर्जरी में कोई पेन वगैरह कुछ भी नहीं होता. सही है, पता भी नहीं चलता आपको, ऐसे हल्का सा भी कुछ महसूस नहीं होता. लेकिन ये है कि जब आपका पहला दिन होता है आप और आप घर आते हो और जो उन्होंने आपकी आँखें सुन की होती हैं ना, उसके बाद जब वो असर ख़त्म होता है तब काफ़ी ज़्यादा जो है ना सर में दर्द होती है और आँखों में दर्द नहीं कह सकते यार, लेकिन ना कुछ होता है. अब मुझे, मैं नहीं आप लोगों को इस तरह समझा सकता. दर्द नहीं आप उसको कह सकते, मतलब वो बर्दाश्त हो जाती है. तो और अगर किसी को मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इसके लिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मेरा लिंक नीचे इंस्टाग्राम का दिया हुआ है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.